सबसे पहले हमें कढ़ाई का मसाला बनाकर तैयार करना है। तो मसालों में मैंने यहाँ पर लिया है आधा छोटा चम्मच जीरा, एक छोटा चम्मच साबुत धनिया, 12 से 15 काली मिर्च के दाने, एक बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग, 4 हरी इलायची, आधा छोटा चम्मच सौंफ, एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का और 4 सूखी लाल मिर्च। मिर्च मैं यहाँ पर अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर रही हूँ। मिर्च को मसालों में आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। मसालों को कढ़ाई में डालकर मसालों को आपको लो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो करीब 2 से 3 मिनट तक मैंने मसालों को ड्राई रोस्ट कर लिया है और अब मसालों में से खुशबू भी आने लगी है। तो अब इस स्टेज पर आपको फ्लेम को ऑफ कर देना है और मसालों को आपको हल्का ठंडा कर लेना है। उसके बाद आपको इसे ब्लेंडिंग जार में डालकर इसका फाइन पाउडर बना लेना है। अंडे को शैलो फ्राई करने के लिए कढ़ाई में मैंने 1 बड़े चम्मच तेल को गर्म कर लिया है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 6 उबले हुए अंडे। अंडे को इस्तेमाल करने से पहले अंडे को मैंने टूथपिक की मदद से प्रिक कर लिया था ताकि अंडा ऑयल में जाते ही स्प्लैटर न करे। और उसके बाद मैंने इसमें पिंच ऑफ हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और नमक डालकर अंडे को बिल्कुल अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। तो अब आप देख सकते हैं अंडे को हमने शैलो फ्राई कर लिया है। बहुत ही बढ़िया सा लाइट गोल्डन कलर आ चुका है अंडे के ऊपर। तो अब हमें इसे जल्दी से एक प्लेट में निकाल लेना है। और आज का ये कढ़ाई एक मसाला मैं सिर्फ 3 लोगों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 6 अंडे का इस्तेमाल किया है। अंडे की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से घटा या बढ़ा भी सकते हैं। तो अगर आप मेरी रेसिपीज को फॉलो करते हैं तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब भी मैं एग करी बनाती हूँ तो मैं अंडे को पहले मसालों से मैरिनेट करती हूँ, उसके बाद इस्तेमाल करती हूँ। अगर आप चाहें तो अंडों को बिना मसालों के भी शैलो फ्राई कर सकते हैं। कढ़ाई में मौजूद तेल आप जो देख रहे हैं, इसी तेल में हमने अंडे को शैलो फ्राई किया था। तो अब इस सेम तेल में हमें डाल देना है 1/2 इंच रफली चॉप किया हुआ अदरक, 8 से 10 लहसुन की कलियां, 3 रफली चॉप की हुई हरी मिर्ची, 1 बड़े साइज का रफली चॉप किया हुआ टमाटर और 7 से 8 भीगा हुआ काजू। इसी के साथ साथ हमें इसमें डाल देना है बिल्कुल थोड़ा सा नमक, ताकि इन सारी चीजों को मिलाकर जब हम इसे ढककर लो फ्लेम पर फ्राई करें तो टमाटर जल्दी से जल्दी सॉफ्ट हो जाए। अब इसे आपको ढककर लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक पका लेना है। और इसमें आपको पानी भी डालने की जरूरत नहीं है, टमाटर अपने आप बहुत आराम से सॉफ्ट हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और टमाटर तेल में बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है और टमाटर भी बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। तो अब इस स्टेज पर आपको फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसे आपको हल्का ठंडा कर लेना है। उसके बाद आपको इसे ब्लेंडिंग जार में डालकर इसकी फाइन प्यूरी बना लेनी है। अब हमें प्याज और शिमला मिर्च को तेल में डालकर शैलो फ्राई कर लेना है, ताकि कढ़ाई एग मसाला खाते वक्त प्याज और शिमला मिर्च का कच्चा टेस्ट ना आए। तो उसके लिए कढ़ाई में मैंने 1 छोटे चम्मच तेल को गर्म कर लिया है। अब हमें इसमें डाल देना है 1 बड़े साइज का चौकोर टुकड़ों में कटा हुआ शिमला मिर्च और 1 बड़े साइज का प्याज, जिसकी एक एक परत को मैंने अलग कर लिया है। और आप चाहें तो प्याज और शिमला मिर्च की क्वांटिटी अपने हिसाब से घटा और बढ़ा भी सकते हैं। 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से लगातार चलाते हुए आपको इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। आपको प्याज और शिमला मिर्च को बहुत ज्यादा भी फ्राई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें प्याज और शिमला मिर्च की क्रंच को मेंटेन भी रखना है। प्याज और शिमला मिर्च को हमने 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लिया है, तो अब इससे ज्यादा हम इसे फ्राई नहीं करेंगे। अब हमें इसे जल्दी से एक प्लेट में निकाल लेना है। एग कढ़ाई मसाला की फाइनल कुकिंग के लिए कढ़ाई में मैं दोबारा से डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच तेल, 1/3 चम्मच। जैसे ही हल्का गर्म हो जाएगा, तड़के के लिए हमें इसमें डाल देना है 2 सूखी लाल मिर्च, 1/2 छोटा चम्मच जीरा और 2 तेज पत्ता। जैसे ही जीरा क्रैकल करने लगेगा, हमें इसमें डाल देना है 1 मीडियम साइज के प्याज की प्यूरी। तो प्याज को सिंपली ब्लेंडिंग जार में चलाकर मैंने प्यूरी तैयार कर लिया है। प्याज को तेल में बिल्कुल अच्छी तरह से मिला देंगे। अब हमें इसमें डाल देना है 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। सारी चीजों को बिल्कुल अच्छी तरह से मिलाकर अब आपको प्याज को लो मीडियम फ्लेम पर कम से कम 5 से 6 मिनट तक फ्राई कर लेना है। तो अब आप देख सकते हैं प्याज बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो अब इस स्टेज पर हमें इसमें डाल देना है अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, टमाटर और काजू वाली प्यूरी।
उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ कढ़ाई मसाला जो हमने ड्राई रोस्ट करके रखा हुआ था, उसे मैंने इस तरह से फाइन पाउडर बना लिया है। तो आज की इस कढ़ाई एक मसाला को मैं स्पाइसी बनाने वाली हूँ, इसलिए मैं इस कढ़ाई मसाले को पूरा का पूरा इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें से सिर्फ एक या दो चम्मच इस्तेमाल करके बाकी का कढ़ाई मसाला स्टोर करके रख सकते हैं। एक चौथाई छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, नमक डाल देना है हमें इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब हमें इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करना है, तो ब्लेंडिंग जार में जो प्यूरी लगी हुई है आपको उसी में थोड़ा सा पानी डालकर ब्लेंडिंग जार को बिल्कुल अच्छी तरह से मिलाकर आपको इसी में डाल देना है। सारी चीजों को एक बार बिल्कुल अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हमें मसाले को लो फ्लेम पर कम से कम 7 से 8 मिनट तक ही फ्राई करना है। उससे ज्यादा हम मसालों को फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि कढ़ाई का मसाला बनाने से पहले हमने मसाले को ड्राई रोस्ट कर लिया था और टमाटर वाली प्यूरी बनाने से पहले हमने ऑयल में अदरक लहसुन हरी मिर्ची और टमाटर को भी फ्राई कर लिया था, उसके बाद हमने प्यूरी बनाई है। तो इसलिए हमें मसालों को बहुत ज्यादा देर तक फ्राई करने की भी जरूरत नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब हमें इसमें डाल देने हैं शैलो फ्राई किए हुए अंडे। इसमें हमें डाल देना है शैलो फ्राई किया हुआ प्याज और शिमला मिर्च, 1/4 कप यानी कि 1 बड़ा चम्मच दूध के ऊपर जमी हुई मलाई। मैं यहाँ पर मलाई का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो अमूल वाला फ्रेश क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बारीक कटा थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे और सबसे लास्ट में 1 चम्मच कसूरी मेथी। इन सारी चीजों को हमें हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है और मैं इसमें ग्रेवी के लिए पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ क्योंकि आज के इस कढ़ाई एग मसाले को मैं रोटियों के साथ सर्व करूंगी। अगर आप इस कढ़ाई एग मसाले को चावल के साथ सर्व करना चाहते हैं तो आप इसमें 1/2 कप या फिर 1 कप पानी ऐड कर सकते हैं। अब आपको इसे ढककर लो फ्लेम पर कम से कम 3 से 4 मिनट तक और पका लेना है। तो अब आप देख सकते हैं कढ़ाई एग मसाला बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। कढ़ाई एग मसाला देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है और साथ ही साथ इस कढ़ाई एग मसाला का स्वाद भी बहुत बढ़िया होता है। कढ़ाई एग मसाले की ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी है मुझे परफेक्ट लग रही है, इसलिए अब मैं फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ और इसमें मैंने ग्रेवी के लिए पानी का भी इस्तेमाल नहीं किया है। जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, अगर आपको कढ़ाई एग मसाले में ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें अपने अनुसार 1/2 कप या फिर 1 कप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस अब आप इस एग कढ़ाई मसाले को सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म रोटी, पराठा, चावल या फिर अपने मन पसंद के किसी भी पुलाव के साथ। आप भी घर पर इस एग कढ़ाई मसाले को बनाइए और इसे इंजॉय कीजिए अपनी पूरी फैमिली के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।